सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट्सएप के कुछ लेटेस्ट अपडेट और यूजफुल सेटिंग के बारे में। सो गाइज, जानने में इंटरेस्टिंग हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो हाय गाइज, माय नेम इज दीपक, यू वॉचिंग टेक्नोलॉजी गो, लेट्स बिगिन स्टार्ट। सो गाइज, वैसे तो व्हाट्सएप समय समय पर व्हाट्सएप और iOS प्लेटफॉर्म के लिए नई नई फीचर को ऐड करता रहता है। किसी भी यूजर के लिए इन सभी फीचर की जानकारी से खुद को अपडेट रखना और इनका इस्तेमाल करना मुमकिन साबित होता है। ऐसे में इनके बारे में जानना आपके लिए केवल दिलचस्प ही नहीं बल्कि उपयोगी भी हो सकता है। सो गाइज, जानने में इंटरेस्टिंग हो तो वीडियो को लास्ट तक ही देखिए। नंबर वन, कंटिन्यूटिव वॉइस मैसेज। यह फीचर पहले सिर्फ iOS यूजर के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब यह एंड्रॉयड यूजर के लिए भी उपलब्ध है। इस फीचर में अगर आपके पास से बहुत सारे वॉइस मैसेज एक साथ आते हैं तो आपको बारी बारी से सभी मैसेज को टैप करके सुनने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सअप खुद ही एक के बाद एक मैसेज आपको ऑटोमेटिकली प्ले करेगा। नंबर दो, सेव प्रोफाइल फीचर। हाल ही में व्हाट्सएप ने प्रोफाइल फीचर को सेव करने के एक्सपोर्ट करने संबंधी फीचर को हटा दिया है। हालांकि आप किसी भी यूजर की प्रोफाइल फीचर को सीधा शेयर बटन पर शेयर कर सकते थे, लेकिन अब कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। हालांकि ग्रुप इमेजेस यानी कि ग्रुप की प्रोफाइल पिक्चर को आप सेव कर सकते हैं। नंबर तीन, व्हाट्सएप ग्रुप इनविटेशन। यह फीचर उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई भी कभी भी किसी ग्रुप में ऐड कर लेता है। तो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद में आप यह मैनेज कर सकते हो कि आपको कौन कौन ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप के थ्री डॉट पर ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में आने के बाद में आपको अकाउंट को ओपन कर लेना है। अकाउंट में ओपन करने के बाद में आपको प्राइवेसी को ओपन कर लेना है। प्राइवेसी को ओपन करने के बाद में आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर एक ग्रुप्स ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, जो हमारा सबसे फर्स्ट है एवरी ऑन। तो एवरी ऑन पर आप क्लिक करोगे तो आपको कोई भी किसी भी वक्त ग्रुप में ऐड कर सकता है। माय कॉन्टैक्ट पर क्लिक करोगे तो आपके जो फ़ोन में कॉन्टैक्ट हैं सिर्फ वही आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। नोबॉडी पर क्लिक करोगे तो आपको आपकी मर्जी के खिलाफ कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। तो नंबर चार, ग्रुप वॉइस एंड वीडियो कॉल। यह फीचर इस्तेमाल करने में काफ़ी आसान है। किसी भी ग्रुप चैट के ऊपर बाई ओर आपको ग्रुप कॉल का बटन दिखाई देगा, जिसे दबाने पर आप ग्रुप इन कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करके सीधा वॉइस ऑन वीडियो कॉल कर सकते हैं। यह फीचर iOS और एंड्रॉयड दोनों यूजर के लिए उपलब्ध है। नंबर पाँच, QR कोड से कॉन्टैक्ट को सेव करना। तो फ्रेंड्स, जो ये फीचर है कुछ समय में आपके WhatsApp में आने वाला है, जिसमें आप QR कोड की मदद से अपने कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें एक और हमारा नया फीचर आने वाला है, ऐड टू फेसबुक हिस्ट्री। तो इसमें आपको व्हाट्सएप के साथ फेसबुक ऐप भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आप सीधा ही व्हाट्सएप से अपनी फेसबुक पर हिस्ट्री को लगा सकते हो या किसी भी वीडियो को अपलोड कर सकते हो, जो कि वो भी बहुत ही अच्छी बात है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ व्हाट्सएप के इंपॉर्टेंट अपडेट और सेटिंग। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये फीचर कैसे लगे और ये अपडेट मतलब कैसे लगे। सो गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बगल में आ रहे बेल के आइकन को भी दबा लेना। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।